सो हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सो so, चलिए जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हमारे पास ये सेकेंड लेक्चर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको तो पता है

कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाना है ताकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ना तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आपके पास कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट अप्लाई करो आंसर आएगा ही आएगा तो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे ना उज्जवल तो बहुत आसान लगेगा तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन भाई स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए उन सभी फ्रेंड्स को बुला लाइए जो हमारा लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां पर भी आप एडिड हो वहां पर ये लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से जाकर और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके लाइव आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए थे तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो वो भी कर लीजिए क्योंकि आपको ये सारे नोट्स की ना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जाइए ज्वाइन करिए और सारे नोट्स ले लीजिए वहां से जल्दी जाइए पहले इस लेक्चर को शेयर करके आइए ताकि हम स्टार्ट कर सकें फटाफट फास्ट ओके okay, तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमने प्रीवियस सेशन में अपने आ, आपको ऑलरेडी करवा दिए थे तो एक बार जल्दी से देख लो अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप बता दो हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि नेशनल इनकम होता क्या है फैक्टर इनकम क्या होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या है नॉर्मल रेजिडेंट कौन कहलाता है वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पता लगाना होगा कि क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर नहीं देन अकाउंटिंग पीरियड कितने टेन्योर का होता है ये भी हमने आपको बताया था आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा फर्दर प्रोसीड करेंगे और ये टॉपिक्स कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है देन नेशनल इनकम जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है अगर हमें हमारी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे डोमेस्टिक इनकम और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं ये दोनों हम आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट रेजिडेंट में प्रॉब्लम uh, है है कौन होता है? आपको दो कंडीशंस पता लगानी होती हैं आप अगर प्रीवियस सेशन एक बार रिकॉर्डेड देखोगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी लेकिन उज्ज्वल अगर आपको डाउट है तो हम एक शॉर्ट समरी में बता देते हैं नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है नंबर वन अगर एक पर्सन को इंडिया में रहते हुए एक साल या उससे ऊपर हो चुका है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है दूसरी कंडीशन उस बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही होना चाहिए यानी उसका रहना खाना पीना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कंजम्पन वो भी इंडिया में होना चाहिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी भी होनी चाहिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी एक पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टूरिस्ट है इंडिया में घूमने आया है वो दो साल से इंडिया में रह रहा है रह रहा है उसको एक साल से ऊपर तो हो चुका है मतलब लेकिन वो पूरा टूर करने आया था इंडिया का ना पूरा टूर करने आया था हर एक विजिट करना हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो टूरिस्ट प्लेस है उनको विजिट करते हुए उसको दो साल हो गए है तो वो टूरिस्ट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है वो वर्ल्ड टूर पर आया था जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था इंडिया में उसको दो साल लग गए क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट है नहीं क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए ना आइडेंटिफाई करने का कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है तो दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है ओके चलिए आई होप आप इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर चुके हैं तो करें स्टार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की और फिर बात करेंगे नेशनल इनकम की और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये पता लगाएंगे देखो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक वर्ड क्या होता है डोमेस्टिक का मतलब है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन बाउंड्री विद इन बाउंड्रीज हर कंट्री की एक डोमेस्टिक बाउंड्री होती है फिजिकल बाउंड्री होती है जहां तक उसकी रीच रहती है जहां तक वो फ्रीली आ जा सकते हैं तो इंडिया की भी एक डोमेस्टिक बाउंड्री है इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है वो आपको पता है कि कितने एरिया में डिवाइडेड है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइक दैट है ना तो ये जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है ना इसके बीच में विद इन दैट बाउंड्री भाई जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी ना वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी विद इन दैट बाउंड्री जो हमारी बाउंड्रीज है ना जैसे हम कहते हैं आ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना मतलब जो भी डिस्टेंस होगा जो हमारी फाइनल डोमेस्टिक टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट कहलाती है चाहे वो आईलैंड ही क्यों ना हो आईलैंड भी है ना इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी हैं स्टेट भी हैं वो सब इसमें काउंट किए जाते हैं विद इन दैट बाउंड्री जहां तक इंडिया की लिमिट है विद इन दैट बाउंड्री उसके बीच में जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो नो डाउट फैक्टर इनकम की ही बात होती है और जो ट्रांसफर इनकम है वो इंक्लूड नहीं होती so आपके सामने डोमेस्टिक इनकम क्या लिखा है डोमेस्टिक इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो अंडरलाइन किए गए ना वर्ड्स उनको ध्यान से देखो डोमेस्टिकोटल ऑफ फैक्टर जो फ्री में नहीं मेहनत करने के बाद मिलती है समथिंग इन रिटर्न मिलती है दैट इज फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है जनरेटेड विद इन दिक बाउंड्रीज और टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री एक पर्टिकुलर कंट्री की जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है जितनी भी फिजिकल बाउंड्रीज है जहां तक उसकी लिमिट है उसके बीच में जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी फैक्टर इनकम वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात करते हैं हमारी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके बीच में रहने वाले लोगों के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है बाउंड्री के बाहर जो इनकम जनरेट होगी इंडिया की बाउंड्री के बाहर जो इनकम जनरेट होगी वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे इसका मतलब तो यही हुआ और दूसरा पॉइंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम चाहे जनरेट की जाए रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे जनरेट की जाए नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा इसमें दोनों काउंट होते हैं अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो हेलो हर्षद कैसे हैं आप मैं एकदम बढ़िया हूँ एकदम फर्स्ट क्लास थैंक्स फॉर आस्किंग देखो फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई ब्रांच की एसबीआई एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है ना ठीक है अब मान लो कि एस की एक ब्रांच जो है वो पंजाब में है एस की एक ब्रांच जो है वो डेली में है एक ब्रांच जो है वो महाराष्ट्र में है यानी SBI की ये जितनी भी ब्रांचेस हैं एस की ये जितनी भी ब्रांचेस हैं ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है ओके ठीक है दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट है इसका मतलब ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट की जाएगी ओके नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं एच एस बी सी बैंक के बारे में आपने सुना होगा है ना? या फिर अमेरिकन बैंक ये क्या है ये इंडिया के रेजिडेंट हैं क्या ऑब्वियसली नहीं ये इंडियन रेजिडेंट नहीं है ओके एच एस बी सी की एक ब्रांच पंजाब में है एक दिल्ली में है और एक महाराष्ट्र में है क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी आप कहोगे यस सर क्यों ये तो रेजिडेंट है ही नहीं ना इनकी इनकम क्यों काउंट करेंगे भाई सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आपने चेक करनी है और वो एक सिंगल कंडीशन क्या है अगर तो इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अगर तो इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट करनी है ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है एक और एग्जाम्पल देता हूं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम बात कर रहे थे एस की ठीक है मान लो एस की एक ब्रांच पंजाब में है ठीक है एक कैनेडा में है और एक जम्मू एंड कश्मीर में है एस की जो ब्रांच पंजाब में है और जो जम्मू और कश्मीर में है वो तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो इनकी इनकम तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है ना इसका मतलब हम पंजाब की जो ब्रांच है और जम्मू कश्मीर की जो ब्रांच है इनकी इनकम को काउंट करेंगे डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक इनकम में लेकिन एस की ब्रांच कैनेडा में है कैनेडा इंडिया का पार्ट तो नहीं है ना नहीं है ना तो ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी क्या नॉट हेलो हरी कैसे हैं आप तो बस यही यही एक रूल है यही एक पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है so clear है सो क्लियर यहां तक कोई डाउट डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके बीच में जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी उसको हम काउंट करेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स भी रहते हैं नॉन रेजिडेंट्स भी रहते हैं तो हम तो काउंट करेंगे ना चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं एक मैं एक देता हूं तो उसका आंसर आप बताना कमेंट में एक टूरिस्ट है एक टूरिस्ट है कैनेडा से इंडिया में आया है और छ महीने के लिए वो रुका है अब छे महीने रुका है तो वो कुछ ना कुछ कंजम्पन करेगा जैसे मान लो वो मार्केट में गया और उसने वन पेयर ऑफ शूज परचेज किए वन पेयर ऑफ शूज परचेज किए कैनेडा के पर्सन ने नॉन रेजिडेंट है वो लेकिन उसने जो शूज परचेज किए हैं ना उससे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है मतलब इनकम बढ़ी है क्या डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे ये तो नो एक टूरिस्ट इंडिया में आता है कंज़म्पशन करता है वो कंज़म्पशन इंडिया में कंट्रीब्यूशन बनती है क्या वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी ये सोनो कमेंट में बताओ जल्दी यस, बिल्कुल सही उज्ज्वल काउंट होगी काउंट की जाएगी रीजन

वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है ऐसे इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी नेशनल इनकम की बात करते हैं देखो नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं फैक्टर इनकम लेकिन इसमें केवल और केवल नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम ये मैटर नहीं करता कि वो इनकम विद इन इंडिया जनरेट हुई है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जनरेट हुई है देखो क्या लिखा है फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं थोड़ा और क्लियर होगा पहले समझो लिखा क्या है नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अगेन वही फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है और इसमें हम केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं चाहे वो इनकम विद इन इंडिया अर्न की गई हो चाहे वो इनकम आउटसाइड द इंडिया रहते हुए अर्न की गई हो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे इसमें भी वही एग्जाम्पल देते हैं मान लो एस की एक ब्रांच है ठीक है एस की एक ब्रांच है एसबीआई नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का क्योंकि उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है और ये इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इसकी एक ब्रांच पंजाब में है एक कैनेडा में है और एक जम्मू एंड कश्मीर में है एस बी आई नॉर्मल रेजिडेंट है ना बस यही आपने चेक करना है एसबीआई नॉर्मल रेजिडेंट है तो एस बी आई ने जहां से भी इनकम जहां से मर्जी इनकम जनरेट की हो सारी के सारे इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी एस बी आई की ब्रांच पंजाब में है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ठीक है काउंट करेंगे एस की एक ब्रांच कैनेडा में है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की इनकम है आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी है आउटसाइड दी इंडिया है क्या काउंट करेंगे नेशनल इनकम में करेंगे नेशनल इनकम में आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है नॉर्मल रेजिडेंट और एसबीआई नॉर्मल रेजिडेंट है चाहे एस अपना ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया में करे चाहे कैनेडा में करे चाहे अमेरिका के कहीं पर भी करें है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर काउंट करेंगे यानी इन शॉर्ट इन शॉर्ट अगर दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन करना हो अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाए डोमेस्टिक टेरिटरी चाहे इसको अर्न करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो इट डजेंट मैटर बस डोमेस्टिक इनकम में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि भाई इंडिया में ही हुई है ना इनकम जनरेट बाहर तो नहीं हुई अगर इंडिया में हुई है तो नो डाउट डोमेस्टिक इनकम अच्छा दूसरी तरफ नेशनल इनकम नेशनल इनकम में आपकी एक ही कंडीशन है और वो क्या है नॉर्मल रेजिडेंट ये फ्लो चार्ट लर्न कर लो एग्जाम में बहुत हेल्प देगा नेशनल इनकम में हम केवल और केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही इंक्लूड करते हैं इट डजेंट मैटर कि नॉर्मल रेजिडेंट ने विद इन इंडिया इनकम जनरेट की है या फिर आउटसाइड तो ये रूल है जो आपको सीखना है क्लियर डोमेस्टिक इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट चाहे वो विदिन इंडिया रहते हुए उसने अर्न की हो चाहे आउटसाइड द इंडिया रहते हुए अर्न की हो ये मेन रूल है आगे बढ़ते हैं सर आप कब से ये कह रहे हो कि डोमेस्टिक इनकम में हम केवल और केवल वही इनकम इंक्लूड करेंगे जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हो हो है ना डोमेस्टिक टेरिटरी में हम केवल और केवल वही इनकम काउंट करेंगे जो विद इन इंडिया जनरेट हुई होगी लेकिन सर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है कितनी मतलब किस पोजीशन तक है क्या किलोमीटर्स में हमें इसको याद करना है या कितना देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एक तरह से पॉलिटिकल टेरिटरी नॉर्मल वर्ड्स में अगर देखा जाए पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब इंडिया की जितनी इंडिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना इंडिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं नेम नहीं लेना चाहूंगा आपको पता है कौन कौन सी है इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जिस जिस एरिया में जाकर इलेक्शन लड़ सकती हैं उतने उतने एरिया को डोमेस्टिक टेरेटरी कहा जाएगा क्योंकि भाई इंडियन पार्टीज इंडिया में ही तो इलेक्शन लड़ सकती है वो अमेरिका जाकर तो लड़ नहीं सकती so बस सिंपल सी बात है इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जितने एरिया में जाकर इलेक्शन लड़ सकती हैं कैंडिडेट्स अनाउंस कर सकती हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है लेकिन भाई इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में ये टर्म ना थोड़ी वाइडर हो जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी है कितनी है डोमेस्टिक टेरिटरी नंबर वन जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है लेकिन इकोनॉमिक्स में ये टर्म थोड़ी वाइडर है इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जहां तक जहां तक हम लोग हमारी गुड्स हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री रोटेट कर सकती है जिनके ऊपर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स नहीं लगता उतना एरिया हमारा है इसमें स्टेट्स भी आती हैं यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं और फिर आइलैंड्स भी आते हैं बहुत सारे जहां तक हमारी गुड्स सर्विसेज और हमारे लोग फ्रीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उनको कोई ऐसा एक्स्ट्रा वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी लगती उनपे वहां तक एरिया हमारा है सो so, एक तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहां तक हम हम फ्रीली आ जा सकते हैं कोई वीजा नहीं लेना पड़ता कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और उसके बीच में जितने भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी अब इसको थोड़ा और वाइडर करते हैं एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं पॉइंट नंबर वन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड क्वेश्चन आ सकता है डोमेस्टिक टेरिट्री में क्या क्या काउंट होता है नंबर वन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ये मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जहां तक हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ सकती हैं जहां तक हमारी फिजिकल बाउंड्री है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है इसके साथ साथ एयर एंड वाटर भी हमारा ही है भाई जितनी बाउंड्री हमारी है मान लो मान लो ये हमारी बाउंड्री है ठीक है ये हमारी बाउंड्री है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये फिजिकल बाउंड्री हो गई इसके ऊपर का आसमान हमारा है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है इसके ऊपर का आसमान हमारा है यहां का हवा यहां का पानी हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है सो so, डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज नहीं इसमें वाटर एयर काउंट किया जाता है नंबर टू सेकंड हमारे पास है शिप्स एंड पता होना चाहिए हाँ यह भी एक पॉइंट हमने हर्षित बताया हुआ है नॉटिकल माइल्स भी हमें हमारे इंक्लूड होते हैं ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हम आपको बता देते हैं मान लो कि यह हमारी फिजिकल बाउंड्रीज है ठीक है ये हमारा लैंड एरिया है लैंड एरिया इसके बाद ओशियंस स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर ओशियंस हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी जिसको कहा जाता है हिंदी में तो ये जो साथ लगता पानी है हमारे लैंड के साथ ये जो साथ लगता पानी है क्या ये भी हमारी बाउंड्री है है सारा सारा हमारा है नहीं ओनली ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया है वो हमारा है ये ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स क्या होता है जैसे किलोमीटर होता है ना ऐसे ही वाटर के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स होता है नॉटिकल नॉटिकल माइल्स माइल्स इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू नियर एट सेवन किलोमीटर ठीक है तो लगभग इक्कीस बाईस किलोमीटर का जितना भी ओशियंस का एरिया होगा वो भी हमारा होगा उसके बीच में जनरेट की गई जितनी भी इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी ओके अब बात करते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अब आपको पता है जो शिप्स और एयरक्राफ्ट होते हैं हवाई जहाज और जो शिप्स होती हैं जो पानी में चलती हैं, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है मान लो कि आपने एयरलाइंस तो का जितना भी एरिया है वो हमारा पार्ट है क्योंकि वो एयरलाइंस हमारी है ऐसे ही जो शिप्स होती हैं शिप्स जितने एरिया में बनी हुई है जितनी बड़ी शिप है वो सारा का सारा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा उसके बीच में जनरेट की गई इनकम हमारी इनकम कहलाएगी सो एयर इंडिया प्लेन्स जो होते हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं इंडिया के द्वारा ऐसे ही जो शिप्स होती हैं इंडियन ऑपरेटेड जिसके ऑपरेशंस इंडिया के द्वारा किए जाते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं इसके अलावा जो मछुआरे लोग होते हैं पता है ना फिश वेशल्स फिशिंग बोट्स मच्छी पकड़ने समुंदर में उतरते हैं तो वो बोट जो होती है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कहलाती है पानी के बिल्कुल नीचे से पता है ना कुछ नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्ट की जाती है कुछ ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं पानी के नीचे वो मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाइपलाइंस बिछाई जाती है जैसे मान लो ये समुन्दर है है ना ये जो एरिया होगा ना नीचे नीचे ये जो स्त होगी एंड एरिया यहां पर कुछ नेचुरल गैसेस कई बार मिल जाती हैं और कई बार कुछ लिक्विड पेट्रोलियम्स भी मिल जाते हैं तो उनको पाइप्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएंगे इसके अलावा कई बार ना टेम्परेरी टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं पानी के ऊपर तैरते होते हैं वो जैसे चाइना ने बहुत सारे किए हुए हैं डिफेंस के लिए है ना पानी के बीच में एक डुप्लीकेट आइलैंड क्रिएट कर देना जो परमानेंट नहीं होता है टेम्प्रेरी होता है जिसको तबाह भी किया जा सकता है जब मर्जी वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है अपने एरोप्लेन लड़ाकू विमान उतारने के लिए वहां से लैंड करने के लिए है ना टेक ऑफ करने के लिए उनको टेम्परेरी क्रिएट किया जाता है जो पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे अगर इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं क्लियर अभी फिलहाल अनुज हम यहाँ पर स्पेसिफिकली अवेलेबल हैं आपको जो भी क्लासेस अटेंड करनी है वो यहाँ पर आप लाइव अटेंड कर सकते हैं एक ही जगह दो कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है नहीं एक ही जगह दो कंट्रीज की नहीं हो सकती ओके डोमेस्टिक टेरिटरी हर कंट्री के लिए एक फिक्स्ड होती है अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है एम्बेजेज इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था एम्बेजेज क्या होती हैं एक ऑफिशियल प्रेमिस होती हैं कंट्री की जो कि दूसरी कंट्रीज में एस्टेब्लिश की जाती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इंडिया है ठीक है और ये अमेरिका है इंडिया अपनी एम्बेजी जो है ना इंडिया अपनी एम्बेजी है वो इंडिया में तो स्टेब्लिश नहीं करेगी देखना ऑफिशियल होती हैं जो एक कंट्री अपनी कंट्री में नहीं दूसरी कंट्री में बनाती है बिल्डिंग बनाती है एम्बेज ये क्यों होती हैं ये क्यों बनाई जाती हैं सिंपल जैसे इंडिया के किसी पर्सन ने वीजा के लिए अप्लाई करना है तो वीज़ा लेने के लिए वो अमेरिका में थोड़ी जाएगा है ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किए जाएंगे अमेरिका की एम्बेसिडी जो है वो इंडिया में होगी अमेरिका की एम्बेसिडी जो है वो इंडिया में होगी इंडियन जिसको वीजा चाहिए वो अमेरिकन एम्बेसिडी में जाएगा और वीजा अप्लाई करेगा अमेरिका के लोग वहां बैठे होंगे वीजा अलाउ कर दिया जाएगा तो वो अमेरिका चला जाएगा है ना ऐसा ही होगा ना एक इंडियन को वीजा लेने के लिए अमेरिका थोड़ी भेजा जाएगा कि भाई अमेरिका ने वीजा देना नहीं मिलेगा अमेरिका की इमेजी इंडिया में होगी इंडिया की इमेजी अमेरिका में होगी ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिलेशन किया जा सके कम्युनिकेशंस की जा सके डिस्टेंस से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं अमेरिकन एम्बेसडी में अमेरिकन गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे और इंडियन एम्बेसडी में इंडियन गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे डिप्लोमेट्स बैठे होंगे जो तालमेल बनाए रखेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया के इतने एरिया में अमेरिकन एम्बेसी है यह अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग है जितने एरिया में ये अमेरिकन अंबेसी की बिल्डिंग है ये एरिया किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है अमेरिका की ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट की जाएगी इसमें काम करने वाले लोग इसमें काम करने वाले लोग इंडिया के होंगे तो इंडिया के कहलाएंगे अमेरिकन होंगे तो अमेरिकन कहलाएंगे लेकिन मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं ये जितना एरिया जितने एरिया में ये एम्बेजी है ये एरिया किसका होगा अमेरिका का सर हम इंडिया का इतना एरिया अमेरिका को दे देंगे ऑब्वियसली ये जितना एरिया है ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा सर इसमें हमें क्या फायदा भाई हमें भी तो फिर मिलेगा ना ये अमेरिका है ये अमेरिका है अमेरिका में इतने एरिया में इंडिया की एम्बेजी है तो ये अमेरिका में इतने एरिया में ये जो है ये इंडिया की है ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी कहलाएगा इंडिया की सो so, एम्बेज so, होती क्या है और इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी कहलाई जाती है क्लियर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम अभी मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम के, के बारे में भी बताया था ना और नेशनल इनकम के बारे में भी बताया था अगर मैं आपको कहूं अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये जो डोमेस्टिक इनकम है ना इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दो तो डोमेस्टिक इनकम में से क्या माइनस करें या फिर क्या प्लस करें कि वो नेशनल इनकम बन जाए आसान है टेबल और डायग्राम आपके सामने है बताओ ध्यान से देखो डोमेस्टिक इनकम में हम केवल और केवल वही इनकम काउंट करते हैं जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होती है चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट की हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट की हो जबकि नेशनल इनकम इनकम में हम केवल और केवल और नॉर्मल रेजिडेंट की काउंट करते हैं चाहे वो विदिन चाहे वो आउटसाइड हो तो मेरे को डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है कैसे करें क्या करें बताओ ओके okay. देखा जाए देखा जाए तो नेशनल इनकम में हम नॉन रेजिडेंट को इंक्लूड नहीं करते ठीक है इसका मतलब फर्स्ट रूल क्या बनेगा ये मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है डोमेस्टिक इनकम में हम नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट दोनों को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल को काउंट करते हैं तो क्या करें डोमेस्टिक में से नॉन रेजिडेंट की इनकम माइनस कर दें बताओ माइनस कर देना क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड की जाती है जबकि नेशनल में नहीं तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जो इंक्लूड नहीं होता उसको हटा दो ना नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड नहीं होती माइनस कर दो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम काउंट होती है इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है अब आगे बढ़ो नेशनल इनकम में हम नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम काउंट करते हैं चाहे वो विद इन हो चाहे आउटसाइड हो विद इन तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं और क्या ऐड करें नेशनल इनकम में नेशनल इनकम में हम और क्या ऐड करें कि मतलब वो कन्वर्ट हो जाए ऐसे इनकम जो आउटसाइड जो आउटसाइड से जनरेट की हो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा तो क्या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक दे, इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आसान है टेबल और डायग्राम देखो जल्दी बताओ डोमेस्टिक इनकम में से नॉर्मल रेजिडेंट माइनस कर देंगे और आउटसाइड की इनकम को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली क्लियर है जल्दी बताओ या डाउट है ओके क्लियर नो डाउट ओके क्लियर वेरी गुड तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी हमने वही एक्सप्लेन किया है डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों इंक्लूड होते हैं अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है तो पहले तो हमें यह हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट हम नहीं काउंट करते और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है तो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम अर्न की है नॉर्मल रेजिडेंट ने वो हमें ऐड करनी होगी तो ये सब और ये ऐड तो फॉर्मूला आपके सामने तैयार है डोमेस्टिक इनकम में हम माइनस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में से हम वो इनकम माइनस कर देंगे जो नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम इंक्लूड करता है तो हम नॉन रेजिडेंट की हटा देंगे बात खत्म और डोमेस्टिक इनकम में विद इन विद इन कंट्री इनकम इंक्लूड होती है आउटसाइड नहीं होती ना तो आउटसाइड वाली इंक्लूड कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो बहुत इजीली नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी यानी सिंपल सा रूल है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड सर ये ये प्लस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस और आपने नेम क्यों चेंज कर दिए आप यही लिखो ना नॉन रेजिडेंट वाला माइनस करना है और आउटसाइड टेरिटरी वाला प्लस करना है भाई ये जो मैंने नेम लिखे हैं ना ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में जितने भी इनकम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ध्यान से सुनना इकोनॉमिक्स में जितनी भी इनकम नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है आउटसाइड दी यानी हमारे जितने भी पैसे बाहर से अर्न किए जाते हैं हमारे जितने भी पैसे इंडिया के बाहर से अर्न किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा उनको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड फ्रॉम फ्रॉम ही तो कहेंगे ना पैसा आया बाहर से फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पैसा आया बाहर से और दूसरी तरफ जितना पैसा नॉन रेजिडेंट इंडिया में रहकर इंडिया में कमाकर बाहर ले जाते हैं भाई इंडिया में लोग रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है इंडिया से पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री ले जाते हैं उनको हमें माइनस करना है क्योंकि वो पैसे तो चले गए उसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रोड तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से तो डोमेस्टिक इनकम में आप ऐड करोगे ऐसा पैसा जो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर रहते हुए कमाया है और इंडिया में भेजा है ऐसा पैसा जो इंडिया के लोगों ने बाहर रहते हुए कमाया है और इंडिया में भेजा है प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे ऐसा पैसा जो इंडिया में रहते हुए नॉन रेजिडेंट्स ने कमाया है और कमा के अपनी कंट्री को दे दिया है ऐसा पैसा जो इंडिया में रहते हुए नॉन रेजिडेंट्स ने कमाया है और अपनी कंट्री में भेज दिया है अब क्लियर है तो फॉर्मूला आपका ये है जेन्युन और ओरिजिनल फॉर्मूला ये है अब अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इसका मतलब मैं इसको नेट बोल रहा हूं जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया इसको क्या बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्लियर है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भाई मैं समझाने को सीधा भी कह सकता था ये फॉर्मूला है लर्न कर लो लेकिन फायदा क्या अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो, तो ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फॉर्मूला रटवाया नहीं जाएगा समझाया जाएगा नेशनल so, इनकम अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो डोमेस्टिक इनकम में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ए है अगर इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला भी आ गया यानी एक फॉर्मूला लर्न करना है जिसकी हेल्प से आप तीन फॉर्मूला सीखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है ओरिजिनल फॉर्मूला है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड यह आपका फॉर्मूला है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम हम इसको क्या बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ है इस फॉर्मूला को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम भाई अगर एग्जाम में आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को आया तो क्या लिखोगे कि हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी नहीं आती फॉर्मूले में बस मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करना है इक्वल्स टू के इस तरफ गया माइनस डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला बन गया ऐसे ही आप एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो वो क्या है नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर आपको क्वेश्चन आया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैलकुलेट करके बताओ तो नेशनल इनकम में से आपको डोमेस्टिक इनकम इस तरफ लेकर जानी है प्लस का साइन माइनस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आ जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक कोई डाउट नेक्स्ट पॉइंट डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस होता है नहीं भाई एक ही बात 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 होती होती है। 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 जब जब भी भी मैं मैं की की करूं करूं या फिर जब भी मैं domestic product की बात करूं, तो ये ये एक एक ही बात होती है। सर product और income, एक चीज़ है, ये कैसे थोड़ा क्लियर करोगे देखो दो स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस आप इलेवन से पढ़ते आ रहे हो सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्शन की जाती है प्रोडक्शन कौन करता है प्रोड्यूसर कैसे करता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर इनको यूज करते हैं तभी प्रोडक्शन होती है अच्छा क्या ये फ्री में मिलते हैं प्रोड्यूसर को लैंड फ्री में मिलता है लेबर फ्री में मिलती है कैपिटल फ्री में मिलती है नहीं ना बदले में पैसा देना पड़ता है लैंड के बदले में रेंट लेबर के बदले में वेजेस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देना पड़ता है तो ये पैसा जिन 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 बंदों को मिलता है वो उस पैसे का क्या करते हैं कंजम्पशन करते हैं यानी पहली स्टेज होती है प्रोडक्शन की और दूसरी स्टेज होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने की जितनी प्रोडक्शन होगी मान लो हमने 100 यूनिट्स बनाए मान लो प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट्स बनाए और मार्केट में उनकी वैल्यू है थाउजेंड रुपीज इनको कंज्यूम कौन करेगा इनको परचेस कौन करेगा आप परचेस करोगे ना आपके पास पैसा कहां से आएगा आप काम करोगे बदले में आपको पैसा मिलेगा और आप जब इनको परचेस करोगे तो थाउजेंड रुपीज की परचेजिंग हो जाएगी आपकी मार्केट में जाकर तो प्रोडक्शन हुई थाउजेंड की डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट में इनकम जनरेट हुई थाउजेंड की डोमेस्टिक इनकम जो भी प्रोडक्शन होगी वो कंज्यूम किया जाएगा दैट इज इनकम दैट इज प्रोडक्शन सो जब हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक इनकम की की बात बात करते करते हैं हैं जब हम प्रोडक्ट तो दैट इज वन एंड अ सेम थिंग ओके भाई इकोनॉमिक्स के क्लासेस का टाइम जो है वो नॉर्मली इवनिंग में रहता है आज हमारे पास ये मॉर्निंग में था जब भी हमारी क्लास होती है ना कोई भी लेक्चर की अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस जब भी कोई क्लास होती है तो हम टेलीग्राम पर पंद्रह से बीस मिनट पहले लिंक शेयर कर देते हैं तो अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको पता चल जाएगा कब कब हमारी क्लासेस होती हैं नॉर्मली ये इवनिंग में होती हैं और फ्यूचर की जितनी भी लाइव क्लासेस है ना उन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी क्लासेस का आ जाएगा कि कितने बजे कौन सी क्लास है लास्ट कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेबल और डायग्राम की हेल्प से तो इसको एक बार जरूर रीड कर लेना चलिए सो so यहां पर आज हमारे पास कंटेंट हो जाता है कंप्लीट जिसमें हमने डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम की बात की डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में या फिर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस चैप्टर का ये आपका पहला फॉर्मूला था जो आपको अच्छे से आना चाहिए अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी प्रैक्टिकल करने है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने है ना तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए लिख लो यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से देखो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल कैसे हैं जितने भी इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की जाती है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं और ये दोनों सेम वैल्यू के होते हैं कैसे आप प्रोड्यूसर हो आपने थाउजेंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर की जिसकी मार्केट में वैल्यू है दस हजार तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हुई दस हजार ये प्रोडक्शन की वैल्यू है ये प्रोडक्शन परचेज कौन करेगा कंज्यूमर कंज्यूमर के पास इतना पैसा होगा तो वो कंजम्पशन करेंगे मान लो मेरे पास है दस हजार मैंने आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए तो मेरी इनकम कितनी थी दस ना जिससे मैंने वो परचेजिंग की तो डोमेस्टिक इनकम कितनी बनेगी दस सो इनकम जो जनरेट होती है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी फैक्टर इनकम वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है और जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन product, की जाती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाती है और ये हमेशा इक्वल इक्वल रहती रहती है कैसे रहती है है कैसे क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूस करोगे वो मार्केट में बिकेगा जो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ वो बिकेगा कैसे उसकी तो कोई कंजम्पशन डिमांड ही नहीं होगी दैट इज वाई चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में ऑल द वेरी बेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ठीक है फ्यूचर की जो भी क्लासेस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऑल द वेरी बेस्ट नाइस डे एंड ग्रेट डे